गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, हम लोग अब पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में. क्लास पीजी, सी एंड राइट, देखें और लिखें. सी एंड राइट, देखें और लिखें. चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एम. अभी हम लोग पूरी तरह से एम को जो है लिखना नहीं सीखे हैं, तो आज हम लोग नेक्स्ट में भी फिर से प्रैक्टिस करते हैं एम. देखिए, कैपिटल एम हम लोग को क्या लिखना है, कैपिटल एम लिखना है. ध्यान दीजिए आप लोग, कैपिटल एम 1 2 3 4, फोर लाइन की हमारी इंग्लिश की जो लाइनिंग होती है वो फोर लाइन की होती है. इसमें हम लोग को एम लिखना है. ध्यान दीजिए, एम में जो है ये थ्री लाइन हमारा कैप्चर होगा, तीनों लाइन में एक स्टैंडिंग लाइन देंगे हम लोग. फिर इस तरह से एम, इसमें आप लोग ध्यान दीजिए कि ये लाइन भी तीनों लाइन में टच होनी चाहिए, बीच वाली लाइन भी टच होनी चाहिए, और ये फर्स्ट लाइन भी थ्री लाइन में टच होना चाहिए. ठीक है बेटा, तो फिर ये देखिए आप लोग एम. आप लोग इस चीज को देख देख करके कॉपी पे सेम टाइम में बैठ करके उसको रिविजन कीजिए, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को भी लिखने का हैबिट बनेगा और याद भी रहेगा. एम, M फॉर मंकी, M फॉर मंकी. नेक्स्ट ये M है, फिर इस M को भी हम लोग उसी तरह से लिखेंगे थ्री लाइन में. ध्यान देना है कि इसको हम लोग को थ्री लाइन में करना है. M, M यहाँ भी है. इस चीज को देखें और लिखें, सी एंड राइट. जितना बार आप लोग इसको लिखेंगे, इसको कोशिश कीजिए आप लोग कि बार बार हम उसको रिपीट करें, लिखें. एक चीज को आप लोग फोर टाइम फाइव टाइम बोलिए, फिर इस चीज को आप लोग राइट कीजिए. एम, ओके. इतना आप लोग इस चीज को दो बार तीन बार लिखें, पढ़े लिखे समझे. एम फोर मंकी, एम फोर मंकी बोल बोल करके आप लोग याद रहे. 1 2 3 लाइन में इसको हम लोग को कंप्लीट करना है. ओके, थैंक यू.